कृष्ण को वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे प्रत्येक साई हैं, राजा तेरा स्टेट जो बड़े भाई बोल रहे हैं, और हमारे सगे भाई हैं, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कृष्णधर सिंह हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन लड़ाई मेन लक्ष्य भी है SC ST से जुड़ा हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य इतना है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या जात भाव से मेरी लड़ाई नहीं चल रही है। हम अपना वसूल और अपना अरमान मांगने जा रहे हैं। ये हमें चाहिए, इन्हें चाहिए। पहली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप इसमें से बहुत से हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बुजुर्ग भी हैं और पिता तुल्य हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी मुकदमा लिखा जाता है, सबसे पहले उसमें विवेचना होती है, दोषी कौन है, निर्दोष कौन होता है, उसके बाद उसे सजा दी जाती है। यहाँ तो पहली एक ऐसी पार्टी आई है, यहाँ मतलब जो भी चाहे उनका है, विवेचना न विवेचना सीधा जेल। ठीक, तीसरी चीज यहाँ पे बात आरक्षण की होती है। आरक्षण चार प्रकार से लागू होना चाहिए। नंबर एक, आर्थिक आधार पर। नंबर दो, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके लिए होना चाहिए। नंबर तीन, जितने भी हमारे नौजवान साथी देश के बॉर्डर पे शहीद होते हैं उनके बच्चों के लिए आरक्षण जरूरी है कि नहीं है, बताइए आप लोग। चौथी चीज, जो भी अनाथ उनको आरक्षण दो। ये थोड़े नाम दिया मैं, हमारे लड़कों का आरक्षण मिले, एक आर्थिक आधार पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पहले एक ऐसी राजनीतिक पार्टी आई है, SC ST 1 इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, सभी पार्टियाँ, सभी पार्टियाँ, मुर्दाबाद 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 सरकार आई पहले बताया कि मंदिर बनवाएंगे,